गाइस आज की वीडियो के अंदर हम लोग कूलर मास्टर MWE 450 वॉट पावर सप्लाई की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये पावर सप्लाई काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग की तो आप इसको अमेज़ोन से 3100 रुपीज़ में परचेज़ कर सकते हैं। जो इसका प्राइस है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। चलिए जल्दी से हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ये पावर सप्लाई मैंने इसलिए परचेज़ करी क्योंकि अपने प्राइस के अकॉर्डिंग ये हमें काफ़ी फ़ीचर्स प्रोवाइड करती है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की हमें पैकेजिंग देखने के लिए मिलती है और बॉक्स को ओपन करते ही हमें सबसे पहले एक यूज़र मैनुअल देखने के लिए मिलती है और लिटरली इसका जो साइज़ है वो आपके घर के न्यूज़पेपर से भी ज़्यादा बड़ा है। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि इसको कौन पढ़ने वाला है। इसके अलावा हमें एक पावर सप्लाई केबल देखने के लिए मिलती है। जो पावर सप्लाई केबल है इसकी क्वालिटी डिसेंट है पर इसको आप अपने इंडियन स्विच बोर्ड में यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक अडेप्टर चाहिए या फिर आपके पास अगर पहले से कोई केबल है तो आप उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पावर सप्लाई की तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारे वायर्स हैं और आप लोग इसको ध्यान से हैंडल कीजिएगा क्योंकि अगर कोई वायर टूट जाता है तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। अभी ये हाथ में पकड़ने में काफ़ी हैवी लग रही है और यहाँ पर आपको कुछ स्क्रूज भी देखने के लिए मिलते हैं जिनसे कि आप इसे अपने कैबिनेट के अंदर फिक्स कर सकते हो। जो पावर सप्लाई का वेट है वो है अराउंड 1 kg। ये पूरी मेटेलिक बिल्ड के साथ में आती है और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जो इसका फ़ैन है वो काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है और विदाउट नॉइस ये काफ़ी अच्छे से काम करता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली। अगर मैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में आप लोगों को बताऊँ तो ये पावर सप्लाई 85% एफिशिएंटली काम करती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आपका सिस्टम स्टैंड बाय पर है तो ये 0.5 वॉट पावर कम कंज्यूम करेगी जिससे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी काफ़ी कम आएगा। और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये 40 डिग्रीज के टेम्परेचर में भी काफ़ी अच्छे से काम कर सकती है तो इंडिया जैसे क्लाइमेट के लिए ये काफ़ी अच्छी है। आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और क्योंकि ये कूलर मास्टर जैसे ब्रांड की तरफ से आती है जो कि ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर आपकी रिलायबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। पीछे की तरफ आपको एक स्विच देखने के लिए मिलता है, साथ ही में एक पोर्ट है जिसके अंदर आप अपनी पावर सप्लाई केबल को कनेक्ट कर सकती हो। तो दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे टेकी स्टे कनेक्टेड।